जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये फिजियोलॉजी का लेक्चर है, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स या एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट, जिसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं हाइड्रोफाइट्स के, मेसोफाइट्स के एंड जेरोफाइट्स के। ठीक है, ये आप लोगों को जो है लेक्चर बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि ये वाकई में ही बहुत ही आसान आपका जो है वो लेक्चर है। ठीक है, ये भी हम बेटे बुक को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। पेज आपका बच्चे बनता है, ये तकरीबन 61-62 पेज है, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल इनके बारे में बता देती हूँ कि हैबिटेट के लिहाज से, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिहाज से, यानी कि वाटर वाले एनवायरनमेंट के लिहाज से प्लांट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स जो कि वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, पानी को पसंद करते हैं, ढेर सारे पानी में रहते हैं। मेसोफाइट जो कि थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर में रहना पसंद करते हैं, मतलब थोड़ा पानी में रहेंगे। ठीक है, जेरोफाइट्स जो कि सहराई पौधे होते हैं, जिनको जो कि बिल्कुल जहाँ पे पानी कम होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, ना होने के बराबर होता है, वो वाले पौधे हैं। ठीक है, अब इन तमाम की डिटेल बेटे हम पढ़ लेते हैं। ओवरऑल तो जनरल स्केच है कि आपके सामने बना हुआ है। ठीक, पेज है आप लोगों का जो है 61-62। ठीक है, इसमें देखें एडेप्टेशंस इन प्लांट। सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन्स प्लांट। तो वाटर लविंग प्लांट्स आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स हैं वो वाले प्लांट हैं जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, जो कि पानी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि झीलें, लेक्स, जैसे कि हमारे पास तालाब, जैसे कि हमारे पास समंदर, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब इनके हैबिटेट के लिहाज से, जो कि यानी कि पानी में रहने के लिहाज से, हाइड्रोफाइट्स को बेटे आगे कुछ ढेर सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो कितनी कैटेगरीज हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट हाइड्रोफाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोफाइट्स की पहले मैं आपको एग्जांपल बेटे बता दूं। वाटर लिली, वाटर लिली जो है हमारे पास वो प्लांट है जो पानी में पाया जाता है। हाइड्रेला, हाइड्रेलिया जो है एक प्लांट है जो कि हमेशा पानी में पाया जाता है, छोटे छोटे उसके पत्ते होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले है बेटे इनका जो पहली कैटेगरी है वो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास रूटेड प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, फिर सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर रूटेड सबमर्ज प्लांट्स, उसके बाद रूट इमर्ज प्लांट्स। तो पांचों कैटेगरी आपने याद करनी है विद डिटेल। सबसे पहले है हमारे पास बेटे हाइड्रोफाइट में से फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ये प्लांट जो है वो हमेशा पानी के साथ ताल्लुक में रहते हैं, और इसके साथ दीज प्लांट्स मेन इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, पानी के साथ भी ताल्लुक है और एयर के साथ भी ताल्लुक है, लेकिन बट नॉट ए सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है कि किसी की दूसरी बॉडी पे ये नहीं रहते, पानी में रहेंगे, हवा लेंगे, लेकिन किसी की भी दूसरी बॉडी पे नहीं रहेंगे, सबस्ट्रेटम पे ये नहीं रहते। उसके बाद ये फ्री फ्लोटिंग है, मतलब आजादाना तौर पर पानी में जो है फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, पत्ते जो इन प्लांट के होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और कुछ प्लांट में इनके पत्ते बड़े बड़े भी होते हैं। कुछ हमारे पास फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट की एग्जांपल है वोल्फिया, लेमिना, स्पोरडला, एजोला, सल्वेनिया, पिस्टिया एंड यूफोरिया। तो आप लोगों को एटलीस्ट दो एग्जांपल आनी चाहिए बेटे। डायग्राम देखें हमारे पास यूफोरिया के, पिस्टिया की बनी हुई है। डायग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा यूफोरिया का या पिस्टिया का। ठीक है, तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स क्या है? वो वाले प्लांट जिनका ताल्लुक पानी के साथ है, हवा के साथ है, लेकिन और किसी चीज के साथ इनका ताल्लुक नहीं है। इनके पत्ते छोटे भी हो सकते हैं, कुछ में इनके पत्ते बड़े भी होते हैं। इसके अलावा के पानी में आजादाना तौर पर फ्लोट करते हैं, और आगे एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। तो 4-5 पॉइंट्स हो गए खत्म। नेक्स्ट है रूटेड प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। ठीक है, रूटेड प्लांट विद फ्लोटिंग, जिनके पत्ते तैर रहे होते हैं और रूट्स इनके क्या रूटेड होते हैं, नीचे वाले धंसी होती हैं इनकी जड़ें। ये जो प्लांट्स हैं वो किनारों पर होते हैं और इन शैलो वाटर बॉडीज, और जो बहुत ही ज्यादा गहरे पानी होते हैं उनमें पाए जाते हैं। रूट्स जो हैं इन हाइड्रोफाइट्स की जो है वो मिट्टी के अंदर जुड़ जाती हैं, मिट्टी के अंदर धंस जाती हैं, लेकिन पत्ते जो हैं इनमें पेटियोल्स होते हैं, या पत्तियां जो हैं इनकी वो पानी, देखिए जो रूट्स हैं वो मिट्टी में धंस गई, पत्ते जो हैं वो पानी में इस तरह से तैरते रहते हैं। उसके अलावा बाकी जो बच जाता है प्लांट के हिस्से पत्तों के अलावा वो पानी में ही रहते हैं, मतलब पत्ते जो हैं हमारे पास वो पानी की सतह पर ऐसे तैरते रहते हैं, बाकी जितना भी पोर्शन है वो पानी के नीचे होता है, मड में होता है। कुछ एग्जांपल जो है इसके निम्फिया, निलुम्बा, फ्रॉम्पा एंड अनमेर्सिला। तो आप लोगों ने दो एग्जांपल याद कर लिए, या कुछ खसूसियात हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूटेड प्लांट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स
विद फ्लोटिंग लीव्स. तो आपको दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स और दो एग्जाम्पल आने चाहिए. उसके बाद है सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट्स. ये प्लांट्स जो है इनका सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक पानी के साथ होता है और पानी में ये सबमर्ज धंसे हुए होते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में नहीं होती. मतलब कि पूरा पूरा प्लांट पानी में धंसा होना. इनके स्टेम लंबे होते हैं और पत्ते इनके छोटे होते हैं. एग्जाम्पल हैं क्रोटोनिल फाइलम एंड टेरिकुलेरिया. टेरिकुलेरिया अगर कोई मुश्किल नाम लगता है बेटे तो एक एग्जाम्पल लाजमी याद कर ले तो बड़ा आसान से है. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास रूटेड सबमर्ज प्लांट. इनकी जो रूट्स होती हैं बेटे कम्प्लीटली पानी में होती हैं, ठीक है, मिट्टी में नहीं होती. हाइड्रेलिया इनकी एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास एक जंगली पौधा है और जिसकी फाइबरस रूट्स होती हैं. फाइबरस रूट्स कौन सी होती हैं जो कि जमीन के ऊपर मतलब पानी में जो होती हैं, ठीक है. तो ये भी बड़ा आसान सा है, नाम से ही जारी है रूटेड सबमर्ज प्लांट की इनकी जो जड़ें हैं पानी में होती हैं मिट्टी में नहीं होती. हाइड्रेलिया इनके एग्जाम्पल में आ जाता है. आगे रूटेड इमर्ज प्लांट्स. ये प्लांट जो हैं वो बहुत गहरे पानी में होते हैं. ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है लेकिन इनकी जो शूट्स हैं वो थोड़ी सी या कम्प्लीटली जो है वो हवा में ही रहती हैं. तो ये नई बात आ गई कि शूट्स जो हैं या तो थोड़ी सी आधी या कम्प्लीटली हवा में होंगे. रूट सिस्टम जो है इनका वो पानी के अंदर होता है, सॉइल में भी फिक्स होता है. एग्जाम्पल है इनकी रेनुकुलस एंड सेगिटेरिया, ठीक है. अब इन दोनों प्लांट में जो शूट्स हैं वो पानी कुछ हाफली जो है समर्ज होती हैं या थोड़ा सा जो है वो पानी से बाहर हवा में भी एक्सपोज हुई भी होती हैं. तो यहाँ तक हाइड्रोफाइट्स हो गया, कैटेगरी वाला हो गई खत्म, ठीक है बेटे. आगे हमारे पास है मेसोफाइट्स के हवाले से. मेसोफाइट्स के हवाले से भी हमारे पास 5-6 पॉइंट्स ही हैं, ठीक है. ये कौन से प्लांट है जो कि थोड़े से वाटर जब अवेलेबल होता है तो उसमें ग्रो कर जाते हैं. अच्छा, मेसोफाइट जो है ये मॉइस्ट हैबिटेट्स में रहते हैं पानी वाली में एंड वेल एरेटेड सॉइल और ऐसी मिट्टी में रहते हैं जिनमें हवा अच्छी भली हो. दे प्रेफर सॉइल एंड एयर ऑफ मॉडरेट ह्यूमिडिटी. ये मैंने आपको बता दिया कि उस इतनी जो है वो नमी में रहना चाहते हैं जिसमें पानी थोड़ा सा एतदाल के साथ हो. बहुत एक्सेस पानी में ये नहीं रह सकते, बहुत कम पानी में नहीं रह सकते, एतदाल पसंद पानी में रह सकते हैं. और अगर जहाँ पे जो है बिल्कुल पानी खराब सा होगा या बहुत ज्यादा सॉल्ट वाला पानी होगा तो वहां पे ये सरवाइव नहीं कर सकते. यानी कि वाटर लॉग सॉइल, ऐसा हमारे पास सॉइल जहाँ पे पानी बहुत खराब है, जहाँ पे पानी में बहुत ज्यादा नमी है, सॉरी पानी में बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा, वहां पे ये सरवाइव पौधे नहीं करते. अच्छा, इन सम रिस्पेक्ट दे स्टैंड इन बिटवीन. अच्छा, ये हमारे पास मेसोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के दरमियान में लाए करते हैं, ठीक है. हाइड्रोफाइट्स क्या है, बहुत ज्यादा पानी वाला. जीरोफाइट्स क्या है कि थोड़ा सा पानी, शॉर्टेज ऑफ वाटर. और मेसोफाइट क्या है कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. तो ये किस किस के दरमियान लाए कह रहे हैं, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के दरमियान, ठीक है बेटे. इनके पत्ते जो है वो चौड़े चौड़े से होते हैं और थोड़े से दबाव में, वेट डिप्रेशन में होते हैं, दबाव में होते हैं और लेक्स में पाए जाते हैं, रिवर्स में पाए जाते हैं. इन जनरल मेसोफाइट में बहुत अच्छा रूट सिस्टम होता है. स्टेम जो है हवादार, ठोस और ढेर सारी शाखों वाला. मेसोफाइट जो है मे शो टेम्परेरी विल्टिंग. अच्छा, दिन के वक्त क्योंकि पानी जो है इनके लिए थोड़ा चाहिए होता है तो कभी के बार क्या होता है, मुरझाने वाला अमल भी शो करते हैं. मेसोफाइट क्योंकि थोड़ा पानी में रहते हैं तो अगर गर्मियां ज्यादा हो तो जो थोड़ा पानी उनमें होता है वो उड़ जाता है, जिसकी वजह से मेसोफाइट को कौन सी कंडीशन फेस करनी पड़ती है, विल्टिंग वाली, मुरझा देने वाली. अब मेसोफाइट के एग्जाम्पल में आपके पास मैंगो आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एग्जाम्पल है. तो याद रखिएगा बेटे मेसोफाइट में एग्जाम्पल आजकल इंशाल्लाह अभी मैंगो आएंगे तो मैंगो जो की जो एग्जाम्पल है, ब्रासिका की जो एग्जाम्पल है मेसोफाइट में आ जाती है. बुक में एग्जाम्पल नहीं दी हुई तो लेक्चर से याद कर लीजिएगा, ठीक है. एग्जाम्पल आज ही आ जाए जीरोफाइट्स पे, ठीक है. जीरोफाइट्स के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा जो है इसको पढ़ेंगे. जीरोफाइट जो है आज सम टाइम लूज, इनको हम क्या कहा जाता है, सराई पौधे. इंग्लिश में कहेंगे प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स. हम जीरोफाइट्स से कहा जाता है जो थोड़े पानी में रहते हैं, जो जिनको शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर होता है. तो ये हमारे पास प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स, सूखे रहन सहन में रहने वाले पौधे. बट कुछ जो है प्लांट जो जीरोफाइट में जो प्लांट्स आते हैं वो किसी भी दूसरी चीज के साथ ग्रो करते हैं, ठीक है. यानी सबस्ट्रेटम के साथ ग्रो करेंगे, दैट ग्रूली बिकम डिप्लीटेड ऑफ वाटर. अच्छा, अब सबस्ट्रेटम के साथ ग्रो करेंगे और वो सबस्ट्रेटम ऐसा है जिसके पास बिल्कुल पानी नहीं है और वो तकरीबन कहाँ पर होता है, 2 डेसीमीटर नीचे होता है.
ठीक है। जो जीरो फाइट क्या है, हमारे पास वाले पौधे हैं, जो सराई पौधे हैं, आप कुछ हमारे पास जो है जीरो फाइट जो है वो वाले प्लांट हैं जो कि सबस्ट्रेटम पे ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये वो वाले प्लांट जो सबस्ट्रेटम पे ग्रो करते हैं, इन प्लांट में जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी जो है वो खत्म हुआ हुआ होता है और ये तकरीबन 2 डेसीमीटर तक गहराई में होते हैं नॉर्मल सीजन में। थस वो वाले जोन जहाँ पर थोड़ा सा ठंडा इलाका है वहाँ पे ऑल प्लांट्स नॉट कन्फाइंड टू मार्जिनल, ये पौधे जो सराई पौधे हैं ये झीलों वगैरह पर जो है वो नहीं पाए जाते, ठीक है। लेकिन वो वाले एरिया थोड़े ठंडे हैं लेकिन वहाँ पे पानी की थोड़ी सी शिद्दत हो जाती है तो वहाँ के जो पौधे हैं उनको ज़ेरोफाइट कहा जा सकता है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो हमारे पास जो रूटेड प्लांट्स होते हैं मिट्टी में जो मौजूद होते हैं, या वो प्लांट जो कि हमारे पास जो है ड्राई मौसम के हैं, एलजी है, मोसेस हैं, ये तमाम के तमाम जो है दरख्त के बार्क दरख्त के तने पे ग्रो कर पाते हैं या इसी तरह की सतह पे ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो बेटे ये जो हमारे पास राई पौधे हैं, ठीक है, इनको हम जो है ये ऐसे ही आप लोगों ने पहले 1 2 3 4 5 6 पहली 6 लाइन आप लोगों ने याद करनी है बेटा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ आगे क्या है, बल्कि पूरा पैराग्राफ हम लोग कर लेते हैं बेटे, पेज है 64 पे पूरा पैराग्राफ कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इनकी एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से, इनके अंदर वाले सेक्टर के हवाले से, इनमें जो लाइफ साइकिल का पैटर्न होता है उसको हम ड्रॉप इवेडर्स और ड्रॉप एस्केपर में, मतलब लाइफ साइकिल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ड्रॉप इनवेडर्स के खुश साली आई और ये जो है ग्रो कर गए, और ड्रॉप एस्केपर्स के खुश साली आई और उसे भाग गए, खुश साली आई ग्रो नहीं पा रहे, डेड हो गए, ठीक है। तो ड्रॉप इनवेडर्स एंड ड्रॉप एस्केपर्स इनके ये मुकम्मल अपनी जो है लाइफ साइकिल करते हैं थोड़े से टाइम में जब थोड़ा सा पानी होता है अवेलेबल, ठीक है। लेकिन सीड की फॉर्म में ही है हमेशा जो है ड्राई सीजन या अनवेरिएबल पीयर में हमेशा बीज की फॉर्म में नजर आएंगे। एग्जाम्पल इसकी जो है बेटे आप लोग याद कर लीजिएगा, आसान सी है कैक्टस, इतनी ज्यादा एग्जाम्पल बुक में लिखी हुई है वो करने की जरूरत नहीं है, कैक्टस वाली एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा बेटे, ठीक है। पूरा पैराग्राफ जीरो फाइट्स का आप लोगों ने याद कर लेना। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो कुछ खसूसियात हो गई है हैंडोफाइट्स की डिटेल के साथ, मेसोफाइट की और ज़ेरोफाइट्स की, बस इतना ही हम लोगों ने कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ज़ेरोफाइट्स के बारे में और बता देती हूँ जो आपने लेक्चर से याद करना है बेटे। ज़ेरोफाइट्स जो है इनमें जो स्टेम्प है बेसिकली वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, स्टेम्प जब ड्राई सीजन आता है तो ज़ेरोफाइट स्टेम्प में अपना सारा का सारा पानी स्टोर करते हैं। तो याद रखिएगा कि ज़ेरोफाइट हमेशा स्टेम्प में अपना पानी स्टोर रखते हैं ताकि जब पानी की कमी हो तो स्टेम्प से अपना पानी यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। इसके अलावा इनके जो स्ट्रोमेटा है वो दबाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है। कैक्टस एग्जाम्पल है, जब ड्राई मौसम आता है तो कैक्टस अपने सारे के सारे पत्ते शेड कर देता है, ठीक है। पत्ते शेड इसलिए कर देता है ताकि जो पानी है कैक्टस में वो पत्तों के जरिए बाहर ना निकल पाए। अगर पत्ते शेड नहीं करेगा तो ड्राई, अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो सारा का सारा पानी पत्तों से निकल जाएगा तो पौधा विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है। तो बेटे आपका लेक्चर जो है वो आज यहीं तक है, बहुत ही आसान जो है कि लेक्चर है आप लोगों का, जितना मैंने बताया है उतना कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप, हमारा एक टॉपिक रह गया है वो भी इसी वीक में हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे कल आप लोगों का टेस्ट है 2 बजे, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा, पेज 62 पे ये सारा कुछ दिया है, 62 63 से आप लोगों ने लेक्चर याद कर लेना बेटे। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।